पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के दौरे पर हैं और आज पूरी दुनिया की नजर उन पर टिकी हुई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने जा रही है। और अभी एक बड़ी खबर हमें वहां से मिल रही है, ब्रिक्स सम्मेलन के इतर आज दोनों नेताओं की लंबे समय बाद मुलाकात होने जा रही है, जो काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात करीब 5 सालों के बाद हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4 बजे के बाद दोनों नेताओं के बीच बायलेटरल टॉक्स है, द्विपक्षीय वार्ता है। आपको यहां ये हम बता दें कि 2 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच LAC को लेकर अहम समझौता हुआ, सीमा पर तनाव दूर करने के लिए सहमति बनी है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस मुलाकात पर हैं। तो इस मुलाकात से जुड़ी कुछ और जानकारी लेते हैं डिटेल में, आपको सीधे मैं कजान लिए चलता हूं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, आज की इस मुलाकात को लेकर सबके अंदर कौतूहल है कि क्या होने वाला है, वहां पर क्या चर्चा है? देखिए बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:40 पर यह मुलाकात होनी है, जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, खासतौर पर भारत और चीन के जुड़े हुए जो आपसी मुद्दे रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उन पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। क्योंकि LAC पर जो सहमति बनी है वो अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, एक भारत की तरफ से बड़ी कूटनीतिक जीत भी इसे कही जा सकती है। 2020 से पहले वाली जो स्थिति LAC पर रही है वो बहाल होगी, यानी पेट्रोलिंग फिर से हो पाएगी और इसके साथ ही साथ जो चरवाहे जिस इलाके तक आ जा सकते थे वहां उन्हें जाने की अनुमति मिलती रहेगी। तो 2020 के पहले वाली स्थिति बहाल होगी, यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। और इस अनाउंसमेंट के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच यह मुलाकात हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 साल बाद यह पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले 2 बार, एक बार इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान और दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच में हाथ जरूर मिलाया गया था, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन अब कजान में, रूस के कजान में पहली बार 5 साल बाद दोनों नेता मिलेंगे, तो भारत चीन के संबंधों को एक नए नजरिए से देखने का प्रयास यहां पर जरूर होगा। हालांकि भारत बहुत सावधानी से इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगा, क्योंकि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा कभी भारत नहीं कर सकता है। और इस बैठक को भी अगर देखा जाए, क्योंकि तमाम द्विपक्षीय नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो रही है, द्विपक्षीय मुलाकात होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो कूटनीतिक जीत है वो यही कही जा सकती है कि 2020 से पहले वाली जो स्थिति LAC पर थी वो स्थिति बहाल होगी, खासतौर पर देपसांग और देमचौक को लेकर जो पूरा 2020 से पहले की स्थिति थी उन इलाकों में वो बहाल होने जा रही है। और इसके बाद जो आज अगर ये मुलाकात होती है तो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिरकार किन किन क्षेत्र को लेकर एग्रीमेंट हुआ है और आगे कैसे भारत चीन संबंधों को दोनों देश बढ़ाएंगे। बहुत ही अहम जानकारी विशाल आप दे रहे हैं। तो इस मुलाकात पर हम सभी की नजर बनी हुई है, क्या होगा इस मुलाकात में, उसका हासिल क्या होगा, यह अब तक पल पल का हाल विशाल वहां से पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में अब तक जो शिखर वार्ताएं हुई उससे संबंधित और क्या जानकारी विशाल आपको मिल पा रही है? भारत के लिहाज से, खासतौर पर अपने देश के लिहाज से हम बात करें, क्या हासिल आपको नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक सहयोग को लेकर है। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो 10 सदस्य देश हैं इसमें, और इनकी जो इकोनॉमी है वो दुनिया की लगभग 28.5% का प्रतिनिधित्व करती है। 45% जनसंख्या अकेले ब्रिक्स के सदस्य देशों की है, तो आप ये कह सकते हैं कि तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, स्पेस का सेक्टर हो, या फिर व्यापार को लेकर बातचीत हुई हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत लगातार अपनी बातचीत अलग अलग देशों के साथ कर रहा है। और कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात की, और द्विपक्षीय वार्ता में जो आपसी सहयोग के क्षेत्र है भारत और रूस के, क्योंकि भारत रूस की दोस्ती बहुत मजबूत है, उस आपसी सहयोग के क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने चर्चा की। दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है उस पर भी अपने विजन को सामने रखा कि क्या कैसे शांति को स्थापित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर फोकस किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी द्विपक्षीय मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी वो ईरान के राष्ट्रपति के साथ रही है, और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई, क्योंकि ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के नए राष्ट्रपति पेजश्किया के बीच हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि जहां एक ग्लोबल तौर पर कैसे भारत की जो साख है वो बढ़ते हुए दिखाना, और दूसरा जो नजर बनाकर रखिएगा विशाल, आप वहां से पल पल का हाल आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।